कर लिया प्लस, उसको ट्रीट करते हैं हम NaI से, सोडियम आयोडाइड, और यहाँ पे सॉल्वेंट रहता है एसीटोन। सॉल्वेंट क्या है? एसीटोन। अब क्या होगा, इसकी टोपी इसके सर दे देना है और इसको इसको दे देना है, हेलोजन का एक्सचेंज होना है, Br Na के साथ चला जाएगा, I R के साथ आ जाएगा, तो RI बना प्लस क्या बना NaBr, ठीक है। तो ये क्या एल्केन हैलाइड बना, बना, इसका नाम क्या हो जाएगा, आयडो एल्केन बनेगा, नहीं आयडो एल्केन बना। एक सिंपल सी प्रोसेस ले लो, अगला एग्जांपल CH3CH2Br लिया, नाइल को बुला दो, इसके बार बना दो एसीटोन, नाइल को बुलाओ Br मतलब बार बनाओ, क्या हो जाएगा CH3CH2Br की जगह I प्लस NaBr। तो मेरे पास क्या बना, आयडो इथेन बना या इथाइल आयोडाइड बना, क्या यहां पर हेलोजन का एक्सचेंज हुआ है, हुआ है ना, आई इसके साथ आया और Br इसके एक्सचेंज हो गया हेलोजन का। एसीटोन का फंक्शन देखो क्या है, यहां पर एसीटोन में NaI सॉल्युबल, NaI एसीटोन में सॉल्युबल है, तो Na प्लस और क्या बना देता है, NaI नेगेटिव बना देता, तो आयन में कर लाइक डिजॉल्व्स लाइक, हम जानते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो NaI क्या है, NaI लेस आयनिक है। अगर हम इसको देखें NaCl को देखें NaBr को देखें, ये इनसॉल्युबल है इसमें एसीटोन में, ये क्यों इनसॉल्युबल है, ये आयनिक है, आयनिक है और ये लेस आयनिक है, तो मतलब ये किधर जा रहा है, एसीटोन क्या होता है CH3CH4CH3 एसीटोन है, एसीटोन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आयनिक सॉल्वेंट नहीं है, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसमें ये लाइक डिजॉल्व्स लाइक, नॉन आयनिक भी और नॉन आयनिक के तो डिजॉल्व हो जाएगा, तो फर्निस क्या कर रहा है Na प्लस आयनिक, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, और ये नहीं करते, इसलिए ये रिएक्शन NaI ही यहाँ पर लेना होता है और ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। और इस रिएक्शन में देखो NaBr जो बन रहा है वो PPT के फॉर्म में बनेगा, क्योंकि ये इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, किसमें, एसीटोन में, तो PPT बनता जाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ला सकते हैं, प्रिंसिपल से बढ़ती जाएगी, इस प्रकार से ये भी अच्छी प्रोसेस कहलाई हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। डायरेक्ट हेलोजिनेशन से हम नहीं कर सकते CH4+ I, इसमें क्या बन जाएगा भाई CH3I+ HI बनता है, ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसलिए ये प्रोसेस हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन से नहीं करते, यहाँ पे हमें दूसरा कुछ लेना पड़ता है, जैसे कि HNO3 ले लेते, नाइट्रिक एसिड ले लेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, HNO3 HI, तो रिएक्शन कर लेगा HNO3 से, तो ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराना है तो जो भी एल्केन लोगे उसमें I2 की रिएक्शन HNO3 के साथ कराओगे, आयोडिक एसिड के साथ कराओगे, समझ गए। तो ये रिएक्शन इससे बेटर क्या हो जाएगी, अगर हमें बनाना है आयडो एल्केन, तो स्पेशली फिंकल स्किन रिएक्शन किसके लिए है, आयडो एल्केन के लिए, आयडो एल्केन के लिए फिंकल स्टीन है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखो, हेलोजन एक्सचेंज का दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड है स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन में देख लेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन में भी हेलोजन एक्सचेंज होना है, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करना है,
ये एक्चुअली काय के लिए है, फ्लोरो एल्गेन बनाने के लिए स्पेशली, ये फिंकल स्टीन काय के लिए, आयडा एल्केन के लिए, और ये फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए। यहाँ पे क्या करो, एक एल्केल हैलाइड ले लो CH3Br प्लस AgF के साथ, केवल हीट कर देना है आपको, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, CH3F प्लस क्या बन जाएगा, AgBr। क्लियर है? रिएक्शन CH4 प्लस हेलोजिनेशन, आप क्लोरीनेशन करते F2 लेके, तो ये रिएक्शन क्या होगी, बहुत ही एक्सप्लोसिव होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है, और इसकी क्लोरीन की एफिनिटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये क्या बना देता है, HF बना देता है, ठीक है, पहली बात। और एक्सप्लोसिव क्यों होती है, देखो इसमें जो टर्मिनेशन वाली रिएक्शन है, एक तो F बॉन्ड F, इसका बॉन्ड एसोसिएशन बहुत कम होता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से, क्योंकि लोन पेयर होते हैं यहाँ पे, तो रिपल्सन करते तो बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, तो बॉन्ड एसोसिएशन बहुत कम। दूसरी बात, जो टर्मिनेशन रिएक्शन है, जैसे CH3 और F इनकी रिएक्शन कराते, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो रेडिकल बनते CH3 प्लस F, ये आपस में टर्मिनेशन रिएक्शन में एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, और बहुत ज़्यादा हीट निकलती, तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच का है बॉन्ड टूट जाता है, जैसे मैंने कोई एल्केन लिया होता CH3, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, तो एक्सप्लोसिव है, इसलिए ये रिएक्शन हम नहीं फॉलो करते। क्या करते हैं, CH3 को इनऑर्गेनिक क्लोराइड ले लेते हैं और उसके साथ ये रिएक्शन कराते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। अब एक रिएक्शन और है, बोरोडाइन हंसडाइकर रिएक्शन, जैसा कि नाम ही बता रहा है, बोरोडाइन मतलब ब्रोमो एल्केन बने, स्पेशली स्पेशल रिएक्शन, देख रहे जितने भी नेम रिएक्शन है वो पर्टिकुलर टाइप का एल्केल हैलाइड बना रहा है। स्वार्ट्स में क्या बन रहा है, फ्लोरो एल्केन बन रहा है, स्वार्ट्स में क्या बना, फ्लोरो, फिंकल स्टीन में क्या बना, आइडो एल्केन बना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, बोरोडाइन हंसडाइकर रिएक्शन, इसमें क्या करना है, यू हैव टू टेक फैटी सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या है, C(OAG), सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसकी रिएक्शन Br2 से कराए, प्रेजेंस क्या रहता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, होना क्या है, CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr, क्या बन गया एल्केल हैलाइड, कौन सा, ब्रोमोमीथेन बने, ब्रोमोमीथेन बना, तो ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, कौन किस टाइप का एल्केल हैलाइड बनाना, ब्रोमो एल्केन बनाने के, सिंगल स्टीन आयडो एल्केन बनाने के, स्वार्ट्स फ्लोरो एल्केन बनाने के। ये नेम रिएक्शन याद रखना, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, बोरोडाइन हंसडेकर रिएक्शन। इस रिएक्शन से आप क्लोरो एल्केन भी बना सकते हो, लेकिन उसका यील्ड बहुत कम होता है, ठीक है। तो रिएक्शन दूसरी देखो, इसमें एक आयडो, इस रिएक्शन से आयडो एल्केन नहीं बनता, आयडो एल्केन नहीं बनता, कारण क्या है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OAG ये फैटी एसिड लिया, प्लस I2 ब्रोमीन की जगह अब क्या ले रहा है, I2, कंडीशन वही है CCl4, ठीक है। अब होता ये है, एस्टर बन जाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CO2 प्लस AgI, AgI बन, ये क्या बना है, एक एस्टर है,
मिथाइल इथेनॉल 8, ठीक है, मिथाइल मीथेनॉल 8 एस्टर बनता है। इस रिएक्शन का नाम है, याद रखो, साइमोनिनी रिएक्शन। बारबम साइमोनिनी रिएक्शन, ठीक है। कंडीशन वही है, क्या, फैटी एसिड लिया, फैटी एसिड लिया, हेलोजन लिया, हेलोजन लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, लेकिन आयोडीन लिया तो ये एस्टर बनता है, ना कि एल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है, याद रखना। तो इस रिएक्शन से आयोडो, इस रिएक्शन से क्या नहीं बना सकते, आयोडो एल्केन नहीं बन सकता। स्पेशल रिएक्शन काई के लिए है, ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए, ब्रोमोडाइन हंसडाइकर रिएक्शन, ब्रोमोडाइन हंसडाइकर रिएक्शन। इसमें क्या है, व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड इज ट्रीटेड विद, रिफ्लक्स करते हैं एक्चुअली इसको, यहाँ पर रिफ्लक्स कर देंगे, व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड इज करस्पॉन्डिंग ब्रोमो एल्केन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्केल हैलाइड। एल्केल हैलाइड की जितनी भी प्रोसेस थी वो अपन ने डील कर ली, ठीक है। पहले हेलोजिनेशन किया एल्केन का, पहले काम क्या किया था, कौन कौन सी मेथड आपने अभी तक पढ़ ली, एल्केन, एल्केन का हेलोजिनेशन था, सनलाइट, Br2Cl2, ये सब हेलोजिनेशन, RH बना, और ये रिएक्शन कैसी थी, फ्री रेडिकल। दूसरा एल्कीन था, एल्कीन पर HBr का अटैक एसिड है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, RX एल्कीन से बन गया था। और एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन भी देखा था हमने, एलाइलिक और बेंजाइलिक, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, और इसको ट्रीट कर दिया Cl2 से, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई था 773 केल्विन, तब भी क्या बना था, एलाइलिक हेलोजिनेशन होता है, डबल बॉन्ड पे कोई काम नहीं होगा, जबकि फ्री रेडिकल रिएक्शन है CH CH2 Cl, ठीक है। एलाइलिक था, बेंजाइलिक भी क्या बन जाएगा, CH2 Cl बन जाएगा। तो ये सब हमने देखे थे एल्केन से। एल्केन के बाद जब हम आए एल्कोहल पर, एल्कोहल पे आए थे, तो पहली प्रोसेस क्या पढ़ी थी, ग्रुप्स प्रोसेस पढ़ी थी। ग्रुप्स प्रोसेस में क्या था, ROH plus HCl एनहाइड्रस ZnCl2 लिया था, इससे RX बन गया। फिर इसके बाद हमने दूसरा लिया था फॉस्फोरस के हैलाइड PCl5 PCl3 से एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे थे, तो भी क्या बन रहा था, RX बन रहा था। फिर थर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ROH plus SOCl2 थायनाइल क्लोराइड पायरिडीन की प्रेजेंस में लिया था, तो RX बना था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज में क्या देखा, फिंकल स्टीन देखा, स्वार्ट्स देखा, और क्या देखा, फिंकल स्टीन थी और स्वार्ट्स थी हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। फिर इसके बाद है बोरोडाइन हंसडाइकर, बोरोडाइन हंसडाइकर में ब्रोमो एल्केन बनाएंगे, इससे आयोडो एल्केन नहीं बनता, क्योंकि अगर आयोडीन लेके सेम कंडीशन में आयोडीन लेके चलोगे तो वो रिएक्शन बदल जाती है, उसको हम कहते हैं साइमोनिनी, साइमोनिनी रिएक्शन, मतलब एस्टर बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द एल्केल हैलाइड। एल्केल हैलाइड की इतनी प्रोसेस याद रखेंगे, और इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें, ये रिएक्शन बोरोडाइन हंसडाइकर रिएक्शन और आपकी जितनी भी नेम रिएक्शन है, वो नेम रिएक्शन आपको अल्टीमेट याद होना ही चाहिए, जितनी भी नेम रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नेम रिएक्शन आप बिल्कुल याद करके रखेंगे। और उसका मैंने मैकेनिज्म भी जहाँ जहाँ ज़रूरत था वहाँ मैंने बताया हुआ है आपको, मैकेनिज्म की इतनी ज़रूरत नहीं है, बोर्ड जो 12th एग्जामिनेशन है उसमें इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस से हम एल्केल हैलाइड बना सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद अब हम बनाने जा रहे हैं हेलोएरेंस, जो भी है हेलोएरेन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे हम आएंगे। हेलोएरेन किस तरह से बनता है उसकी बात हम करते हैं थोड़ी देर बाद। हेलोएरेंस ये सब आपको समझ में आ गया, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और कल टेस्ट रखूंगा मैं किसके लिए, कल टेस्ट है, प्रिपेयर होके आना, प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केल हैलाइड, ठीक है। उसमें हम कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। व्हाट हैपेंस, हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं व्हाट हैपेंस पे। व्हाट हैपेंस में हम केवल क्या लेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेंगे और एक कंडीशन दे देंगे जिसमें आपको प्रोडक्ट देना। अब प्रोडक्ट तो RX ही बनेगा तो ऐसा नहीं करना, वहाँ नाम वगैरह सब बताना, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, कंप्लीट हो गया, ठीक है।